अब राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां गौ तस्करों को पीछा कर हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। दरअसल पिकअप में गौ वंशों की तस्करी हो रही थी और हिंदू संगठनों की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची। चालक सहित तीन को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है लसानी पेट्रोल पंप के पास। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो गौ तस्करों को पीछा कर हिंदू संगठनों के बिहाफ पे, यानी कि जो उन्होंने सूचना दी, पुलिस उन तक पहुंची और गौ तस्करी का जो पूरा खेल वहां पर खेला जा रहा था उनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, चालक सहित तीन को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। बड़ी खबर आपको राजसमंद के देवघर से इस वक्त की बता रहे हैं। लसानी पेट्रोल पंप के पास इस बड़ी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पिकअप में गौ तस्करी हो रही थी। चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की, जहां बारिश ने आफत बढ़ा दी है। दरअसल सादुलपुर क्षेत्र में नाला टूटा है, लोगों की इससे परेशानी बढ़ गई है। सड़कें वहां पर जलमग्न हो चुकी हैं, घरों मंदिरों में पानी तक भर गया है। नाले पर अतिक्रमण की शिकायत लगातार थी लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। भारी बारिश से वहां पर नाले पर जो बांध थे वो टूट गए हैं, जिस वजह से वहां पर अतिक्रमण की शिकायत भी नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं सिरोही के सादुलपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं। हाँ, बारिश होती है तो कुछ लोग पर्यटक के रूप में पर्यटक जो है वो एंजॉय करने भी जरूर जाते हैं, लेकिन बारिश में किस तरह से आफत बढ़ाई है वो आपको दिखाया जाए। और इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िये ने एक बार फिर हमला किया है। जी हां, इस बार भेड़िये ने यादवपुरवा गांव में अटैक किया। आदमखोर ने 8 साल के बच्चे पर हमला किया और यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था, पूरा परिवार घर में ही था। भेड़िये के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बची है। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अभी खतरे से बाहर है। भेड़िये के हमले से पूरा गांव दहशत में आ गया है। ये आपको तस्वीरें हम बच्चे की दिखा रहे हैं, आप उसका चेहरा देख सकते हैं जिसपे पट्टी बंधी है, जहां पर भेड़िये ने अपने शिकार बनाने की इस बच्चे को कोशिश की। रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था तब बच्चे के ऊपर अटैक किया गया है। और एक बार फिर से अटैक से, भेड़िये के हमले से जो पूरा गांव है, पूरा परिवार जो है वो दहशत में है। भेड़िये के हमले में घायल हुए बच्चे को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां बच्चा अभी खतरे से बाहर है। हमारे संवाददाता ने बच्चे के पास मौजूद उसकी मां और परिवार से भी बात की है। आदमखोर भेड़िये का अटैक कितना खूंखार होता जा रहा है ये बताने की कोशिश की है। मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में एडमिट कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वो 8 से 10 साल का बच्चा है जो आज शाम अपने घर के बाहर मौजूद था, लेकिन उसी वक्त आदमखोर भेड़िये ने इस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मौके पर इसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने जी कुछ पुकार लगाई, उससे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद इसकी जान बची। इस वक्त आप कौन है इनकी संगम की? माँ है। कहाँ थे पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? हम भीतर पहुड़े रहन अंगना में ही हैं और यू अंदर से खेलत रहे तो के अंदर से बाहर बिटिया बैठी रहा है और सास हमरे बैठी रहा है, वो बाहर का निकरा यू दरवाजे पर यहाँ नोच खेस बाहर, जैसे नोच जैसे नू पकड़ी तैसे चिल्लान बड़ी जो बस सब दौड़ी बस भाग ली। तो जैसा कि आपने सुना, आप कौन है? हम बड़ी महान का। आप कहाँ थी उस? हम वहे तिरहन। हाँ, वहे तिरहन सर, जैसे ये चिल्लाना जैसे हम सब लोग दौड़े लुहोय लुहोय करे लगे लाठी डंडन से तो भेड़िया भाग लिया। घर का दरवाजा उस वक्त खुला था? हाँ, घर का दरवाजा खुला रहा है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो भेड़िया है वो गांव से बढ़कर शहर की ओर चल बड़ा है, वहां पर वो अटैक कर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी इस हमले के बाद काफी खौफजदा हैं। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे, बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे जम्मू के अनुथम होटल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार अमित शाह दौरे के पहले दिन प्रदेश की बीजेपी इकाई के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों और जमीनी स्तर की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। दूसरे दिन यानी कि शनिवार को शाह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। शनिवार को ही गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू में एक रैली भी प्रस्तावित है।
और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए गोरबात।